गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मैंने वीजा पे लिखा हूं स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का चार्ज कर रहे 110 रिंगेट एक किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा, ये है इंडिया। जाकिर नाइक पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर खड़े होके जाकिर नाइक ने कहा ये कैसा देश है जो मेरे साथ इस तरह कर रहा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करते थे। कि जहाँ तक डॉक्टर नाइक साहब का ताल्लुक है तो वो उनकी जो भी सक्सेस है उन्होंने उसको खुद ही एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान में आके। फिर उनके जो कंजर्वेटिव अप्रोच है ख्वातीन के बारे में, उस पर आप इतने बुरे तरीके से फेल होते हैं, और खुद आपने 10-15-20 आयतें रट ली और उनका तर्जमा रट लिया तो उसको रटा लगा के वो कर रहे हैं। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाल्लाह बहुत इस्लामिक है लेकिन वहाँ पीडोफाइल होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल हो ही नहीं सकते। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। उन्होंने सवाल किया जाकिर नाइक साहब से और वो जवाब दे ही नहीं पाए और आए बाएं शाइन करके निकल गए। कि आप लोग अपने आप को किसी तरह भी बेहतरी के रास्ते पे नहीं डालना चाहते, ये दुख की बात है। लेकिन हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीगन चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेट्स वीडियो। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है जिसके ऊपर न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि भारत के लोग भी काफ़ी अम्यूज्ड हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि अभी इस समय पाकिस्तान के अंदर है और लगातार एक के बाद एक कई सेमिनार, इंटरव्यूज़, मीटिंग्स कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन एक वीडियो के अंदर जो वायरल हो रही है उसमें डॉक्टर जाकिर नाइक यह कहते हुए पाया जा रहा है कि पाकिस्तान कैसा देश है जबकि यहाँ पे मैं पाकिस्तान सरकार का सरकारी गेस्ट हूँ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो PIA है यानी जिस एयरलाइन से डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आया था उस PIA एयरलाइन ने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक्स्ट्रा लगेज यानी जो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ सामान था उसके भी चार्ज लिया है, बावजूद इसके कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने PIA के मैनेजर को कई लोगों को रिक्वेस्ट की कि वो चार्ज ना करें डॉक्टर जाकिर नाइक से, लेकिन फिर भी PIA ने डॉक्टर जाकिर नाइक से चार्ज किया है। अब ये डॉक्टर जाकिर नाइक को कौन बताए कि जो PIA है पाकिस्तान के एयरलाइंस खुद डूबी हालत में है, टूटी फूटी हालत में है, कैसे डॉक्टर जाकिर नाइक को फ्री में ट्रेवल करवाता। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, PIA के मैंने CEO से बात किया, नाम नहीं लेता हूं, कौन CEO कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे, मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है, हाँ मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई, बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे, ठुकरा दिया मैंने। PIA पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा, ये है इंडिया, ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मैंने वीजा पे लिखा हूं स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा, चार्ज कर रहे 110 रिंगेट एक किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। जाकिर नाइक पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं और उन्होंने कहा कि ये कैसा देश है। पाकिस्तान के अंदर खड़े होके जाकिर नाइक ने कहा ये कैसा देश है जो मेरे साथ इस तरह कर रहा है, और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर तो नाराज हैं लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करते थे। उन्होंने हिंदुओं की और इंडिया की तारीफ की है, मुबारक हो भारतीयों, मुबारक हो आप लोगों को। काया पलट हो गई, कहाँ से निकले और कहाँ पहुंचे। तो आप भी अब जाकिर नाइक साहब से नाराज होना बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनको इंडिया की सही कीमत का अंदाजा हुआ है और वो कह रहे हैं ये कैसा देश है भाई। बशानी साहब, एक तो जाकिर नाइक साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अगर आप उसके अंदर रह रहे हैं तो आपके जन्नत में जाने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अगर आप अमेरिका में हैं। दूसरा, रावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि हम डिप्लोमेटिक एंड पोलिटिकल बैटल लड़ने को तैयार हैं लेकिन अगर हमारे ऊपर मौका आया तो हम जो है वो वाकई
जंग भी लड़ सकते हैं फलस्तीन के लिए। पाकिस्तान को क्या हो गया है, ये पाकिस्तान क्या फलस्तीन के लिए लड़ाई लड़ेगा, ये क्यों हम फलस्तीन के लिए लड़ना चाहते हैं? तो सर हाउ डू यू सी ये जो बिलावल ने बात की है और ये जो खास तौर पे इन्होंने बात की है? देखें जी, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों हजरात जो हैं ये अपने अपने तौर पे पॉपुलर सेंटीमेंट्स जो हैं पब्लिक के उसके सेंटीमेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और दोनों बेसिकली अगर आप इनके ताने बाने जोड़ें तो वो जाके तो मज़हब से ही मिलते हैं, यानी दूसरे ब्लंटली स्पीकिंग वो मज़हब को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उसको एक्सप्लॉइट करके तो अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी तरक्की, उनकी दौलत, उनके असर सुख में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। कि जहाँ तक डॉक्टर नायक साहब का ताल्लुक है तो वो उनकी जो भी सक्सेस है उन्होंने उसको खुद ही एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान में आके, और मैं समझता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान में ना आते तो पाकिस्तानी बिला वजह उनको इंडिया को ब्लेम करते रहते कि पता नहीं जी उसने कौन सा ऐसा जो है वो जुर्म कर दिया कि उसको निकाल दिया। तो वो आके तो उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को एक्सपोज किया उसमें बहुत बड़े बड़े फैक्ट जो हैं वो एक्सपोज हो गए, जिनमें एक ये है कि उनकी जो वहाँ से निकाला गया है उसका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है। वहाँ लाखों की तादाद में मौलवी जो है वो फिरते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, किसी ने किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। ये सारा कारनामा जो है उनका, ये उनकी जो फाइनेंशियल मामलात हैं और उनकी जो जो पॉलिसीज हैं और जिस जिस तरीके से वो ज़िंदगी के छोटी छोटी बहस हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में 60s और 70s में ओपन होके उस पर डिबेट होके क्लोज हो चुकी हैं ये सारी बहसें। मसलन इस्लाम और साइंस के दरमियान क्या तसादम है, हारमोनी है, ये चीज़ें तो 60s और 70s की बहसें हैं जो लोग करके उसको कंक्लूड करके तो अपने रास्ते ले चुके हैं। उसमें कहीं उन्होंने समझौते किए, कहीं उन्होंने उसको मुख्तलिफ तरीके से वो करके आगे बढ़ गए। वो बहस खोल के तो वो खुद ही कहते हैं कि मेरे जी 20 मिलियन जो है फॉलोवर्स हैं, और बदकिस्मती है कि सारा मीडिया यहूदियों का। तो एक तरफ से तो आप कहते हैं कि ये यहूदियों का मीडिया है, दूसरी तरफ से आपको अफसोस है कि यहूदी जो है वो आपके इस्लाम को आपकी इतनी बड़ी मदद फरमा रहे हैं और $3-4 लाख का कैमरा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यही अगर मजहब है तो फिर इस मजहब का तो कोई ताल्लुक उस मजहब से नहीं है जो आप इधर उधर लोगों को बना के पेश करते हैं। ये तो आप दौलत के पीछे अंधाधुंध जो है वो भाग रहे हैं। फिर उनके जो कंजर्वेटिव अप्रोच है ख्वातीन के बारे में, उस पर आप इतने बुरे तरीके से फेल होते हैं, तो ये समझते हैं कि ये दुनिया बिल्कुल पागल है। और ख़ुद आपने 10-15-20 आयतें रट ली और उनका तर्जमा रट लिया तो उसको रटा लगा के वो कर रहे हैं।